नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के तमाम बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन तो कर दिया है, लेकिन क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करके इस नए संसद भवन के उद्घाटन में अपनी लोकप्रियता और बढ़ा पाएंगे नरेंद्र मोदी? जी हाँ, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं इन सब चीजों से नाराज चल रही। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिस तरीके से अपमान किया गया है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकता है कि अपना इस्तीफा सौंप दें, क्योंकि जिस तरीके से इस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला उनके साथ खड़े हैं, जिनकी जो सबसे पहली प्राथमिकता बनती है, राष्ट्रपति की प्राथमिकता होनी चाहिए। तमाम जनता भी ये आवाज उठाते हुए नजर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है और तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन क्या ये वाकई सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं उद्घाटन में बुलाया गया? जी हाँ, इससे बड़ी अपमान करने वाली बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया और उद्घाटन के समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता तक नहीं मिला। जी हाँ, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के ये आवाज उठा रही थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन उद्घाटन तो दूर, उन्हें न्योता तक नहीं दिया गया। और यही वजह है कि ये पूरा बवाल जो है वो अब मचता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तमाम विपक्षी पार्टियां जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या नाराज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पद से इस्तीफा दे देंगी और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने किए पर पछतावा हो पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।